और ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। हिंदुस्तान के प्रधान आज विश्व के सुल्तान बन चुके हैं। दुनिया मान चुकी है कि मोदी के मैनेजमेंट के आगे कोई नहीं टिक सकता। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी ने, मॉर्निंग कंसल्ट ने यह माना कि मोदी की रेटिंग सुपर्ब है, हाई है। एजेंसी ने जब रेटिंग जारी की तो विपक्ष बिल्कुल खामोश सा हो गया। न चीन, न अमेरिका, न ब्रिटेन, दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ कर मोदी ने बता दिया कि कोई नहीं है टक्कर में। आज हम बताएंगे वर्ल्ड लीडर मोदी पर भरोसे की वजह क्या है। मेहमानों के जरिए यह जानने की कोशिश भी करेंगे कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों विपक्ष लगातार हमलावर है। और साथ ही आज बात वैक्सीनेशन पर भी होगी, क्योंकि वैक्सीन पर सियासत ये तो ठीक नहीं है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। इंटरनेशनल सर्वे में मोदी बने बेताज बादशाह। दुनिया ने माना वर्ल्ड लीडर है नरेंद्र मोदी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सबसे आगे निकले नरेंद्र मोदी। अमेरिकी एजेंसी ने मोदी को दी हाईएस्ट रेटिंग। 75% लोगों ने माना मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। ये एक डेटा इंटेलिजेंस कंसल्टेंसी है, ये डेटा इंटेलिजेंस एजेंसी जो ये बताती है कि डेटा जो तमाम जगहों से रियल टाइम डेटा हासिल हो रहा है वो क्या इंडिकेट करता है। ये लोगों के लिए वो सर्वेज भी कराती है जो टेलर मेड होते हैं। मसलन ये कि अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मामले में आप ये समझ पाएं कि क्या सेंटीमेंट चल रहा है बाजार में, विश्व में, तो आप वो पता कर सकते हैं। और इस हिसाब से जब पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की बात आई, पॉलिटिकल डेटा, रियल टाइम डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तमाम वर्ल्ड लीडर्स के मुकाबले अपने देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। इस हिसाब से उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा, उनको 75% लोग अप्रूव करते हैं, 20% लोग उन्हें खारिज करते हैं। और इस तरीके से जो सैंपल साइज लिया गया था उसके हिसाब से उनकी रेटिंग 55%, हालांकि इसमें 2-3% की एरर की गुंजाइश भी लेकर चला जाता है, लेकिन यही सब पर एप्लीकेबल था, उन सभी लीडर्स पर, 13 देशों के लीडर्स पर जो इसमें साथ में रखे गए थे। लेकिन उन सबसे ऊपर रेटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।